with a little more. Take your soup, baby, left. Then I get to take more. Take your soup, baby, left. There's a little. गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम हैं कोरापुट में। रात को हमें सोनू भाई के घर पे ही स्टे किया और बहुत ही यार भाई ने बहुत ही बढ़िया हमें खाना खिलाया। यहाँ का उड़ीसा का जो लोकल फूड है हमने वो एंजॉय किया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू यार सोनू भाई। आज का मैं प्लान बता देता हूँ। आज हम जा रहे हैं अराकू वैली और उससे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे देवमाली, उड़ीसा की सबसे ऊंची माउंटेन है। सबसे पहले हम ट्राइबल म्यूजियम है जो कोरापुट में ही है, ट्राइबल म्यूजियम भी देखते जाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने हैं। तो सोनू भाई हमें लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं? यहाँ पर एक दुकान है, बहुत अच्छा साउथ वाला खाना मिलता है। हाँ, तो यहाँ पे एक लोकल दुकान है, तो लोकल हम यहाँ का ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। और मीत भाई तो बिल्कुल रेडी हैं। मैं तैयार हूँ, आज मैं आलस नहीं खा रहा हूँ क्योंकि अब हमने बहुत ही ब्यूटीफुल अराकू वैली देखने जाना है। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। गाइस वी आर रेडी टू राइड और आज डे 4 है हमारी राइड का और हम जा रहे हैं अराकू वैली। हाँ जी नमस्कार, आशीर्वाद हो। नहीं नहीं नहीं, पकड़ पकड़ पकड़, अरे पकड़, पहली बार आए हैं, पहली बार देते हैं, ठीक है? किसी को देना नहीं, अपना सामान लियो, ठीक है? तो गाइस ये हमने अपनी बाइक से पड़ोस के घर में पैक रखी हुई थी, ये देखिए हमारी बाइक और पूरा सामान हमने अब लगा दिया है और अब हम रेडी हैं चलने को। और ये माता जी हैं, इनके घर पर हमने रखी थी। नमस्कार जी, तो अब हम जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है जी। अच्छा जी, अभी हमारी राइड शुरू हो चुकी है। तो ये कोरापुट की मार्केट है, कल आपने देख ही लिया होगा जब हम एंटर किए थे कोरापुट में। अभी जा रहे हैं हम ब्रेकफास्ट करने, तो यहाँ पे आए हैं हम लोकल ब्रेकफास्ट करने। तो बाइक पार्क कर देते हैं यहाँ पे, फिर हम करेंगे ब्रेकफास्ट। तो गाइस हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने और मीत भाई खा रहे हैं अमेजिंग उपमा, उपमा है और डोसा सांभर चटनी इडली वगैरह सारा। तो यहाँ काफ़ी फेमस है यहाँ पे ये लोकल ब्रेकफास्ट। ये देखिए ये आ गया हमारा, और भीड़ देखो यहाँ पे। तो अभी हम करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर मिलते हैं आपको। भाई साहब हम दिल्ली से आए हैं बाइक से और आपका नाश्ता बहुत ही शानदार है यार, मज़ा आ गया नाश्ता करके। एक बार बताएंगे क्या क्या है आपके पास? डोसा, इडली, चपड़ी, डोसा और गाड़ी, पूरी। पूरी भी है? हाँ, पूरी भी है। अच्छा, और दुकान का नाम बिश्नोई है? बिश्नोई है ना, बिछवाड़। अच्छा, तो कोरापुट में। तो गाइस अभी हमने ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया है और बहुत ही अल्टीमेट ब्रेकफास्ट था यार, मज़ा आ गया ब्रेकफास्ट करके। क्यों मीत भाई? आनंद आ गया, अभी तक चबा रहा हूँ मैं प्लेट रखती हूँ। तो हमारी बाइकें देख के भाई आए, पूछे कहाँ से आए क्या है। तो बहुत ही भाई को अच्छा लगा इनको, और हमारा चैनल भाई सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी कराना है। हम पूरा उड़ीसा घूम रहे हैं, एक हफ्ता पूरा उड़ीसा हमने घूमना है और जगह जगह जाके पूरा हम वीडियो बनाएंगे और यूट्यूब पे डालेंगे, ठीक है? अगर अभी ना ट्राइबल म्यूजियम। ओके, तो गाइस हम पहुंच चुके हैं ट्राइबल म्यूजियम, आदिवासी संग्रहालय, इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। ये है ट्राइबल म्यूजियम। चल ठीक है, टेक केयर। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू, टेक केयर है। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं कोरापुट से और सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया अली और उसके बाद ट्राइबल म्यूजियम गए। अभी सीधे जाएंगे देवमाली
जो कि उड़ीसा की सबसे ऊंची हिल है और वहीं से आगे निकल जाएंगे अराकू वैली। व्हाट अ व्यू। तो दोस्तों देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है और ये आई थिंक डैम है उसका पानी आया हुआ है यहाँ पे। और एज यूजुअल उड़ीसा की हाईवे बहुत ही शानदार है, दोनों तरफ जंगल है, पेड़ पौधे हैं, बहुत ही शानदार है। तो गाइस हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है क्योंकि काफ़ी देर से राइड कर रहे थे और रोड ये अंडर कंस्ट्रक्शन है तो बहुत जगह पैथहोल्स हैं तो इतनी स्पीड बन नहीं पा रही है। तो अभी लगभग 14-15 किलोमीटर और रह गया है दियोमाली। और ये मेरे पीछे देखो आप कितनी बड़ी बड़ी माउंटेन्स आपको दिखाई दे रही होंगी। तो यहाँ से पूरी प्रॉपर माउंटेन शुरू हो जाती हैं। तो और वेदर भी धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है और हल्की हल्की ठंड बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है कि ऊपर जाके तो 100% ठंड मिलने वाली है, जबकि हमने इनर वनर कुछ नहीं पहना, एक नीचे टी शर्ट है और ऊपर ये अपनी राइडिंग जैकेट है। तो देखते हैं और फिर उसके बाद निकल जाएंगे अराकू वैली। तो आज मोस्टली हम स्टे करेंगे अराकू वैली में, इतनी पास आके भी अराकू वैली न जाएँ तो फिर मज़ा नहीं है यार। तो धीरे धीरे कान बंद होने लग गए हैं जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं। और ये पहाड़ हिमाचल के पहाड़ों से तो थोड़े से तो अलग है, लेकिन चढ़ाई सेम है, जैसे लग रहा है कि हिमाचल के पहाड़ से हम चढ़ाई कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी ऐसे ही है, हिमाचल में भी ऐसे ही है। ये रास्ता देख लो, ये है दियोमाली का रास्ता और मेन रास्ते से कट जाता है और ये आई थिंक 10-12 किलोमीटर का स्ट्रेच है दियोमाली के लिए। ये अलग ही रास्ता है दियोमाली के लिए, वापसी हमें इसी रूट से आना पड़ेगा आगे कहीं जाने के लिए। वेलकम टू दियोमाली, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ उड़ीसा। मेरे को नीचे लोकल मिला था, उसने बताया था लेफ्ट में रखना, तो वो एक घर है, एक ये घर है और एक ये है, ये आपको तीन स्पॉट मिलेंगे। ये टॉप है, अब हम दियोमाली टॉप पे, अगर राइट लेंगे तो दियोमाली गाँव में घुस जाएंगे वो नीचे जाके। तो अब हम यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो, देख लो रोड सेक्स है। तो चले भाई, तो व्यू तो देखिए पहले इधर का पास वाले का, फिर चलो उस वाले भी चलते हैं, वहाँ से बीच से आएगा व्यू। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं पीक पे दियोमाली की, ये टॉप पीक है और ये सब व्यू पॉइंट बनाए गए हैं। ये देखिए सामने ये व्यू पॉइंट है, यहाँ चेयर्स लगी हुई हैं और ये व्यू शेड लगा रखा है। और ये भी एक व्यू पॉइंट सामने दिखाई दे रहा होगा, एक सबसे ऊपर बनाया रखा है। इसी तरह तो चारों तरफ देख लीजिए व्यू पॉइंट्स हैं ये सारे। और मोस्टली यहाँ सैटरडे संडे को ही लोग ज़्यादा आते हैं, अभी तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा हमारे को। तो सबसे टॉप पे ऊंचाई पे जा रहे हैं, यहाँ पे एक ऊपर मचान बनाई हुई है, व्यू पॉइंट बनाया हुआ है, वहाँ पे जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल अभी बनाया है ताजा ही, ये देखिए व्यू दियोमाली की, सबसे ऊंची चोटी है ये और हम पहुँच गए हैं दियोमाली की सबसे ऊंची चोटी पे। ट्रैक करके जाना पड़ता है सबसे ऊपर, अगर ऊपर जा आपको जाना है तो। वेलकम टू दियोमाली, वेलकम टू दियोमाली, वेलकम है जी। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं दियोमाली की हाईएस्ट पीक पे, जहां तक हमारी बाइक आती है और इसके बाद आपको पैदल जाना पड़ता है। मैं दिखा देता हूं आपको जो टॉप पीक है यहां की, मैं दिखाता हूं आपको एक बार। ये आप देख पा रहे हैं ये सबसे ऊंची चोटी है और यहाँ से ये सब पैदल का रास्ता है, यहाँ से जाते हैं ऊपर। वो आप देख पा रहे होंगे 3-4 लोग गए हुए हैं, मैं दिखा देता हूँ जूम करके थोड़ा। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे ये 3-4 लोग ऊपर गए हुए हैं, दिख रहे हैं ना। और ये सबसे ये है पीक, टोटल सबसे ऊंची पीक और यहाँ पे लोग गए हैं, ये 4-5 लोग हैं और नीचे इनकी गाड़ी खड़ी है।
और ये रास्ता है। तो ये व्यू दिखा देता मैं आपको सामने का, ये देखिए व्यू कितना शानदार है। लेकिन फॉग है, इस धुंध है, इस वजह से आपको शायद क्लियर नहीं है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, अभी भी क्लियर नहीं होगा। तो ये रास्ता सामने देख रहे हैं, इस रास्ते से आए हैं और ये तीन चार व्यू पॉइंट बने हुए हैं, मतलब कि कई व्यू पॉइंट बने हैं। और जैसे ही आप ऊपर चढ़ते हैं तो व्यू पॉइंट और इस तरह की बिल्डिंग आपको नज़र आएगी जहाँ पे आप ऊपर चढ़ के व्यू देख सकते हैं। अब मैं सामने का भी व्यू दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए सामने का व्यू, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, पहाड़ है, ये देखिए चारों तरफ का व्यू। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था सर उड़ीसा में भी ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा। ऑल थैंक्स टू एक्सट्रीम एडवेंचर इंडिया, यहाँ के नज़ारे का मजा ले पा रहे हैं। तो आज की राइड बताइए। ब्यूटीफुल छोटी सी शॉर्ट राइड, मौसम बहुत अच्छा, क्लाउडी और हिमाचल का फील आ रहा है। हिमाचल की फुल फील, उड़ीसा में जिसको चाहिए देवमाली आ जाओ, सिंपल। और कश्मीर जाना है तो दारिंगबाड़ी इन अनदर फ्यू आवर्स आपके पास दारिंगबाड़ी में होंगे हम। फ्यू आवर्स नहीं, अभी तो एक दिन है। अच्छा, अभी तो फ्यू मोर आवर्स। तो मैं एक्चुअली प्रदीप सर के व्लॉग्स के माध्यम से आप लोगों के थ्रू आपके सब्सक्राइबर्स को एक स्थिति दिखाना चाहता हूँ जो इतना ब्यूटीफुल ये सब है। उधर सामने ही प्लास्टिक और कूड़ा पड़ा है, पूरा अगर आप में से कूड़ा है, आप में से एक भी अपना पूरा कर्तव्य निभाएं साफ और सफाई मेंटेन करने में, तो ऐसा ना हो। यार आप ऐसे जगह आए, कहीं भी आए तो कूड़ा अपने साथ लेके जाएं, कोई भी पैकेट में आप पैक करके अपने कूड़ा अपने साथ ले जाएं और डस्टबिन में फेंके कहीं। हाँ, इधर भी ये देखिए सारा कूड़ा है, सारा कूड़ा है, बियर की बोतल, पानी की बोतल, प्लेटें, सब बुरा हाल कर रखा है। जन्नत को जन्नत रहने दो भाई। इस ब्लॉग का नाम ही होगा जन्नत को जन्नत रहने दो। तो दोस्तों अभी हम हैं देवमाली के हाईएस्ट पीक पे जहाँ पे हमारी बाइक्स खड़ी हैं और इसके बाद ट्रैकिंग करके ऊपर जाना पड़ता है, ये रास्ता है सबसे ऊपर। तो यहाँ कुछ भाई लोग आए हैं ऊपर से, बिल्कुल ऊपर जाके आए हैं, इनसे थोड़ा इनका एक्सपीरियंस जानते हैं भाई का। तो भाई बताओ आपको कैसा लगा ऊपर जाके? ऊपर जाके तो बहुत ही अच्छा फील हुआ क्योंकि हमने पहले भी यहाँ पे ट्रैक कर चुके हैं और ये सबसे उड़ीसा का ऊंचा पहाड़ होने की वजह से लोगों का आना जाना बहुत अच्छा रहता है। ऊपर जाने के बाद हम जो नीचे की व्यू देखते हैं वो आधा उड़ीसा का है और आधा उड़ीसा का और आधा आंध्रा का। अच्छा, आंध्रा है साथ में उस तरफ। अच्छा, उस तरफ आंध्रा है। अच्छा अच्छा, तो ये बहुत खूबसूरत चीज है। आज अगर पूरा खिला हुआ रहता धूप तो बहुत अच्छा व्यू आपको देखने को मिलता है और ठंडी हवा चल रही है और अगर थोड़ी सी भी मतलब समय और नीचे हो जाती तो पूरा फॉग हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो समय कितना लगा आपको ऊपर जाने में? ज़्यादा समय तो नहीं लगता लेकिन चढ़ने में थोड़ी सी ये होने की वजह से 40 से 45 मिनट आपको लग जाती है और उतरने में बहुत ईजिली आप उतर सकते। उतरने में तो 20-25 मिनट आ जाता है। हाँ, 20-25 मिनट में आप आराम से उतर सकते हैं और कभी भी आए तो आपको बिना जाए वापस जाना नहीं चाहिए। इतनी अच्छी जगह है, जाने के बाद जो फील होता है वो सिर्फ खुद ही हम खुद ही महसूस कर सकते हैं। बस झंडा है बड़ा हुआ है। तो भाइयों का हमारे चैनल एक्सट्रीम एडवेंचर इंडिया पे स्वागत है भाइयों आपका। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उड़ीसा के जितने भी ब्लॉग्स आप देख पाए हैं और पूरे इंडिया में हम घूमते हैं, जैसे गुजरात हमने घूमा, राजस्थान, हिमाचल और मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी भी किया हुआ है बाइक से। हाँ, तो थैंक यू यार आप सभी का। थैंक यू सो मच विद यू।